Good afternoon, everyone. My name is Jacob Paran. I am advisor to the first edition of late Tapolgao Memorial Volleyball Tournament. To my left, right is Mr. Ojing Ajay, Secretary of Organizing Committee. And next to him is Mr. Tabom Saro, who is the Chairman Organizing Committee. And to my left is Mr. Johnny Modi, who is the overall in charge of late Tapolgao Memorial Volleyball Tournament 2024. हम लोग आज यहाँ प्रेस ब्रीफिंग करने किस लिए आए हैं, क्योंकि आप लोग का इसमें कोई हम लोग का एडवर्टाइजमेंट तो कर लिया ऑलरेडी, और बैनर शैनर सब हो गया हम लोग का, और जितना ईस्टर्न पार्लियामेंट्री का जितना कंस्टिट्यूंसी से उसको हम लोग मैसेज दे दिए, एडवर्टाइजमेंट दे दिए, तो फिर भी कोई कोई है कि मतलब इसको अभी तक जो अवेयरनेस नहीं है, अवेयर नहीं कि ऐसे बड़ा वॉलीबॉल टूर्नामेंट रुक्सिन में हो रहा है, बोल के इसलिए आज हम लोग प्रेस ब्रीफिंग करने आए हैं। द फर्स्ट थिंग इज हम लोग इस बार वी हैव फोकस्ड दिस टूर्नामेंट टू ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसमें 27 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, तो जितना कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इसमें वहाँ से एक ना दो टीम तो श्योर आएगा। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आपका लोकल या आपका क्लब भी हो सकता है, आप लोग एनीवन कैन पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट। और ये टूर्नामेंट ओपन टू ऑल टूर्नामेंट है, आप लोग गही से भी हो, आप ईस्टर्न जोन का जितना लोग है जितना टीम्स है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी या जो भी ग्रुप्स पार्टिसिपेट कर सकता है। और हम लोग इस बार जोनाई को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि जोनाई इज जस्ट एडजेसेंट टू रुक्सिन टाउन, तो इसमें हम लोग जोनाई को लेते समय में हम लोग वी हैव केप्ट इन माइंड कि जोनाई इज इन धेमाजी डिस्ट्रिक्ट, तो इसलिए जोनाई को लेकर हम लोग होल धेमाजी डिस्ट्रिक्ट को भी इंक्लूड किया है, तो एनीवन फ्रॉम धेमाजी डिस्ट्रिक्ट कैन पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट। उसके बाद हम लोग का जो टेक्निकल इश्यूज है उसको हम लोग का ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन सर आप लोग को डिटेल में बता दें। थैंक यू। थैंक यू। ये पहला फर्स्ट तपोरगांव मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट, जबकि ये रुक्सिन जनरल ग्राउंड में खेला जा रहा है। हम लोग का ईस्टर्न पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में से ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। इसका मेन जो क्रिएट हम लोग एमपी सर श्री तपोरगांव जी ने इसका शुरुआत उनका ये प्रोग्राम से शुरू किया है, तो मैं आप सभी को ये ब्रीफ करना चाहता हूँ। ये टूर्नामेंट का जो वेन्यू होगा रुक्सिन जनरल ग्राउंड में होगा। इसका जो कोर्ट हम लोग दो या तीन कोर्ट बने जाएगा अकॉर्डिंग टू टीम ज्वाइनिंग के हिसाब से, और हम लोग का जो तार जो कोर्ट होगा वो स्टैंडर्ड कोर्ट बनाया जाएगा, जो नेशनल लेवल का कोर्ट होगा। इसमें जो पार्टिसिपेंट प्लेयर्स को हर तरह का खेलने का आराम और सुविधा होगा। और ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस टूर्नामेंट में हम लोग स्टेट लेवल जो ग्रेड वन रेफरीज है उन लोगों को पोस्टिंग किया जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए हम विश्वास करता है और जो जो टीम जो क्लब आएगा सभी प्लेयर से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहता है, टेक्निकल ऑफिशियल्स हम लोग का ऑर्गेनाइजिंग कमिटी वेल एक्सपीरियंस है, तो हम उम्मीद करता है आप लोग ये उम्मीद लेके आना है कि ये नेशनल या स्टेट लेवल का चैम्पियन तरह का होगा। तो इसमें हम लोग जितना रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स जैसे कि आपको कोर्ट बॉल्स वगैरह भी हम लोग का नेशनल लेवल का सारा इक्विपमेंट यूज़ किया जाएगा, तो हम सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना भी क्लब हो स्टॉन पार्लियामेंट्री या असम जो धेमाजी डिस्ट्रिक्ट नियर बाई एरियाज से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग रुक्सिन चेक पोस्ट में आ जाइए, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है,
200 meters ऐसा कुछ डिस्टेंस है, किसी को कंफ्यूज नहीं होना है कि बेनू बहुत अच्छा है, असम अरुणाचल बाउंड्री में है और यहाँ आपको रहने खाने का सुविधा है, हर तरह से आपको मिलेगा। जिनको जैसे कि होटल या लॉज जरूरत पड़ेगा तो ये लुमनी होटल सामने है, सबसे स्टैंडर्ड होटल है, खाने पीने का प्रॉब्लम नहीं है। और टाइड्रो भी यही होटल में किया जाएगा। 27 को हम लोग का लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, अप टू 4 PM तक, उसके बाद टाइड्रो शुरू किया जाएगा। तो अकॉर्डिंगली जितना टीम आएगा वो हिसाब से हम लोग पोल बनाएगा और ये टूर्नामेंट में नॉकआउट सिस्टम से होगा। इसमें बेस ऑफ पाइप सेट से खेला जाएगा, नॉक सिस्टम नॉकआउट सिस्टम है, इसीलिए ये हम लोग इसका प्रोविजन रखा गया है बेस ऑफ पाइप सेट में। तो मैं सभी से मेरा प्रिय पार्टिसिपेंट्स क्लब प्लेयर्स हम लोग का ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की ओर से सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग 27 नवंबर तक ज्वाइनिंग डेट रखा गया है, इससे आगे आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। और इसमें जैसे कि आपको विद इन धेमाजी डिस्ट्रिक्ट का अंदर या अरुणाचल इस पार्लियामेंट्री में आप लोग को डॉक्यूमेंट जरूर नहीं पड़ेगा। अगर बाहर से प्लेयर हायर करके लाता है तो इसमें अगर किसी को या ओपोनेंट टीम को कंप्लेन होने से इसका वेरिफिकेशन थ्रो आधार कार्ड से किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग को रिक्वेस्ट है विद इन जो अभी जो हम लोग एडवाइजर सर बताया इसका अंदर से अगर आता है प्लेयर इसका कोई डॉक्यूमेंट जरूर नहीं है। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग जैसे भी अपना दोस्त या गांव डिस्ट्रिक्ट सर्कल कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंफॉर्म कीजिए ये हम लोग का टीम है द्राक छोड़ो केल पे जोड़ो। तो इसीलिए हम लोग युवा के लिए ये बड़ा सा टूर्नामेंट रखा गया है और ऐसे ऐसे हम लोग का टूर्नामेंट और भी आगे आएगा, फुटबॉल हुआ, वॉलीबॉल हुआ, बैडमिंटन हुआ, ऐसे हम लोग का लीडर जैसे कि हम लोग का तापिरगांव साहब का ये मिशन है कि यहाँ के यूथ लोगों को किस तरीके से गेम्स एंड स्पोर्ट में प्रमोट किया जाए, कैसे एंगेज किया जाए, इसका ये मिशन और विजन है। इसलिए हम लोग ने अभी रेडी कर रहा है कि ये साल का मिशन को सक्सेस कराने के लिए। तो यही पर मैं अपना रिक्वेस्ट रखता हूँ। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। आई ऑन बिहाफ ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ तापिरगांव मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2024 ये एक्चुअली ये जो मुहिम है ये जो खेल का जो स्पेशली इसका जो आई विजन है हम लोग का ऑनरेबल MP साहब का मार्गदर्शन से हो रहा है। और रही बात ये जो मेमोरियल टूर्नामेंट जो खेला जा रहा है वो हम लोग का ऑनरेबल MP साहब का फादर के नाम से ये खेला जा रहा है। तो जितने भी है आपका स्थान बेल्ट की जितने भी डिस्ट्रिक्ट ये स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर सियांग से लेके आपका ईस्ट सियांग हो गया, अपर सियांग हो गया, सियांग डिस्ट्रिक्ट हो गया, दिबांग वैली हो गया, लोअर दिबांग वैली हो गया, नामसाई हो गया, अंजो हो गया और चांगलांग हो गया, धीरा हो गया, लोंगडिंग हो गया, सभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसको तो हम लोग स्पेशली थ्रू DC लेटर टू DC कॉफी टू DSO को दिया हुआ है। और कंसर्न जितने भी मतलब ऑनरेबल MLA है मिनिस्टर है जो स्थान बेल्ट की जितने भी मतलब विधायक है मिनिस्टर है सबको लेटर को हम लोग यहाँ से डिस्मस हो चुका है। और साथ में जितने भी यहाँ के हम लोग एडजोइनिंग जो स्टेट है फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड के थ्रू से हम लोग जो असम को हम लोग असम जो धेमाजी डिस्ट्रिक्ट को हम लोग पहली जो हम लोग का एडवाइस साहब ने बताया है कि धेमाजी डिस्ट्रिक्ट को इस बार हम लोग इंक्लूड किया है। तो जितने भी यहाँ पे जो हम मेंशन किया है सबको अनुरोध है कि आप लोग जितना जल्दी अभी काफ़ी टाइम है तो
खेला जाएगा ये 31 दिसंबर से। तो अभी आप लोग के पास काफ़ी समय है, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं दिन रात, जो इसको खेल को भाग ले सकते हैं। और रही बात हम लोग का जो टूर्नामेंट का जो जो प्राइस, ये इसी प्रकार का है, जो विनर टीम को हम लोग 1 लाख विथ ट्रॉफी, और जो रनर साहब को हम लोग जो है 70,000 विथ ट्रॉफी, और इसमें बहुत सा जो इंडिविजुअल का प्राइस भी रखा गया है, जो बेस्ट प्लेयर हो गया उसको 10,000 विथ मोमेंटो, और बेस्ट स्पाइकर 10,000 विथ मोमेंटो, और मैं बेस्ट सेटलर 10,000 विथ मोमेंटो। तो इसी जो पहली प्राइस को देख के आप लोग चिंता नहीं होना है कि ये छोटा सा मतलब अमाउंट है, ये आगे जाके जब नेक्स्ट एडिशन में होगा तो हम लोग इसको और भी अपग्रेड करेगा। तो जितने भी हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन टीम से और कमिटी साइड से सभी को आप लोग को अनुरोध है, आप लोग जितने जल्दी हो सके जो नंबर दिया हुए है, स्पेशली जो नंबर हम लोग कमिटी साइड से दिए हुए, आप लोग से कांटेक्ट करके जल्दी ही रजिस्टर कर लिए। ज्वाइनिंग फी जिसे हम लोग ये लिया है लेस अमाउंट है, 5,000 करके ज्वाइनिंग फी, और जस्ट ज्वाइनिंग फी ही हम लोग ये चार्ज किया है, और बाकी यहाँ पे कोई ऐसा पेनल्टी नहीं है जो मैंने, क्योंकि वॉलीबॉल ऐसे गेम है जहाँ पे कोई हाथ अफाई नहीं होगा, और हम जानते हैं कि जितने भी यहाँ पे टीम आएगा सब डिसिप्लिन से आएगा, तो उसी उम्मीद के साथ हम लोग ने 5,000 करके ज्वाइनिंग फी को रखा गया है।